सभी किसान भाई और डेयरी फार्मर भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जो मेरा प्रयास है, वो जाफराबादी के विषय में है। और जाफराबादी का जो मार्केट है, क्यों डाउन हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां पैदा हुई हैं जिससे कि गुजरात के लोगों को आज मंडियों में जाना पड़ रहा है, धुलिया मंडी या परवनी या जहां भी महाराष्ट्र की मार्केट है, वहां पे जाना पड़ रहा। ऐसा कौन कौन से कारण हैं जिससे कि जाफराबादी की लगातार मार्केटिंग गिर रही है, जबकि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसका अधिक से अधिक विस्तार हो। हमने बहुत कुछ करने की कोशिश किया, परंतु जैसे हमको बीच में रिजल्ट मिले थे, अभी वो रिजल्ट अगर देखा जाए, जो वास्तविकता स्थिति है, वो माइनस पॉइंट में जा रहे हैं। भले ही जो गुजरात के यूट्यूबर हैं उनको ये महसूस ना हो, परंतु हम जो दिल्ली के सेंटर में बैठे हैं, तो वहां से हम महसूस कर रहे हैं कि जो जाफराबादी भविष्य पहले खरीद रहे थे, वो आज वो दूसरी ब्रिडों की तरफ जा रहे हैं। और उसके कौन कौन से कारण हैं जो ऐसा हो रहा है, तो जो मेरे संज्ञान में, जो मेरी जानकारी में आया है, उसमें कई सारे कारण निकल के आए हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को अच्छे से गौर से सुने। जो मुझे महसूस हुआ है, सबसे पहले जो गुजरात की जाफराबादी का जो फ्यूचर डाउन हो रहा है, उसके जो पहला कारण है, किसानों या एजेंटों या ग्राहक द्वारा सही रेट ना बताया जाना। क्योंकि अधिकतर आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, उसमें कवरेज में यही दिखाया गया है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई, आपको यहाँ पे कैसा लगा, आपको भैंसे कैसी मिली। मगर किसी भी यूट्यूबर ने हर भैंस का रेट नहीं डाला है। एक एक भैंस का, जैसा कि पंजाब हरियाणा में होता है कि एक एक भैंस का रेट बताया जाता है पर्टिकुलर, कि ये भैंस इतने की है और इतनी कैपेसिटी है मिल्क की, अभी इतना तैयार है। वहीं गुजरात में स्थिति इसकी एकदम उलट है। उल्टी ऐसी है कि वहां पे जो वीडियो तो बनाए जाते हैं, बहुत सारे, जितने भी, मुझे लगता है जितने भी एजेंट हैं उनके सभी के चैनल हैं, या जितने भी और बाहरी हैं, सारे लोग वीडियो तो बनाते हैं, परंतु चाहे उसमें मैं भी हूं, उसी में कोई मैं अलग से नहीं हूं, मगर मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक रेट बताया जाए। और हो सकता है कि जितने लोग मेरे वीडियो देखने वाले हैं, उनको अधिक से अधिक मेरे चैनल द्वारा जानकारी मिली होगी रेट की, परंतु अब स्थितियां वहां पे एकदम प्रतिकूल हैं, और ये गुजरात के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जो स्थितियां आज पैदा हो रही हैं, वो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक होंगी। और अगर ऐसा ही हाल रहा, तो कुछ दिन बाद गुजरात में गिने चुने ही लोग आएंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, अन्यथा वो लोग आएंगे जो पुराने हो चुके होंगे। बाकी जो जानकारी रखते हैं वो नहीं आएंगे। तो मैं उन स्थितियों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जो पहला मुझे समझ में आया है कि रेट के विषय में जो हमारी जो सोच है, हमारी सोच ऐसी है कि अगर कोई भैंस 15 लीटर की है और उसकी वास्तविक कीमत 1 लाख रुपए है, तो वो वीडियो में बाकायदा दिखानी चाहिए कि इसका दूध निकाल के दिखाना चाहिए कि इसका दूध इतना है और मैंने इतने में बेचा है। भविष्य में रेट डाउन होंगे तो कम होंगे, अगर बढ़ेंगे
तो और ऊपर होंगे। ये चीजें कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो भी एजेंट हैं या जो भी किसान हैं या जो भी वहां बेचने वाले हैं, उनका क्लेरिफिकेशन नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे जो बाहरी प्रदेशों के हैं, महाराष्ट्र के अलावा अभी जो आंध्रा और कर्नाटका तमिलनाडु है, वहां पे लोग जो जाफरा को पालते थे, अभी वो मुर्रा पे जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और भविष्य में अगर ऐसा ही हाल रहा तो शायद महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से बदलाव आएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना हो, नहीं क्या आप लोगों के बच्चे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? और क्या आप अपने तक ही बिजनेस को सीमित करना चाहते हैं, आगे अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाहते हैं? जो दूसरी मुझे वहां स्थिति समझ में आई है, एक तो लोकल लैंग्वेज गुजराती लैंग्वेज और हिंदी का ना जानना, जिससे कि बाहरी जो खरीदार आते हैं वहां एजेंट और किसान के बीच में आपस में बात हो जाती है, बाहरी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है। इसकी वजह से लोग हरियाणा और पंजाब की तरफ मुंह करते हैं, मंडियों की तरफ, जो पंजाब में मंडियां लगती हैं उनकी तरफ मुंह करते हैं। आप दो पैसे कमाओ और अगले को भी माल अच्छा दो, जिससे कि भविष्य में वो अपने भी बच्चे पाल सके और आप भी अपने बच्चे पाल सको। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप लोग पारदर्शिता लाएं, अगर पारदर्शिता नहीं लाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि जाफराबादी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और ये चीजें आप लोग बहुत ध्यान से देखें, अपने आसपास आप महसूस करें, जो पुराने पुराने एजेंट हैं आज उनको धुलिया मंडी में माल बेचना पड़ रहा है, उसकी वही वास्तविकता है कि सही रेट ना बताया जाना। अगर आप लोग हरियाणा और पंजाब की तरीके अपडेट नहीं होते हो तो ये भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप लोग सभी लोग कृपया रेट जरूर बताएं, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर से वीडियो बनाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म में आप वीडियो डालें और वास्तविक स्थिति आप जरूर बताएं आपको अगर आगे बढ़ना है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट की, अगर हरियाणा और पंजाब से हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हरियाणा और पंजाब से कोई गाड़ी जाती है और ये मान लीजिए कि आपका महाराष्ट्र के लास्ट में जाती है, इवन ये कह सकते हैं कि आंध्रा के बॉर्डर तक जाती है, तो वहां से करीब भाड़ा जो ट्रक का पूरी 10 भैंसों का होता है वो करीब 60,000 के नियर अबाउट में होता है। वहीं अगर गुजरात से गाड़ी आती है तो उसका भाड़ा जो है 75,000 70,000। तो ये स्थिति बहुत प्रतिकूल है। ये तो ट्रांसपोर्टरों की मनमानी है। दूसरी एक जो भरूच में स्थिति होती है, गाड़ी गुजरात से लोडिंग होती है और वहां पे जो भरूच का अड्डे हैं उनमें दादागिरी होती है कि ये भैंसे हमारी गाड़ी में जाएंगी और वो अपने मनमानी पैसे वसूलते हैं, जिसमें किसान को बहुत पीड़ा होती है और किसान चूंकि उसका माल फंसा होता है तो वो किसी तरीके माल निकालने की वजह से वो अनाप शनाप पैसा देता है। तो ये स्थितियां बहुत आने वाले भविष्य में खतरनाक होंगी। और अगर ऐसा ही हाल रहा, ये सुधारा नहीं गया, तो ये ज्यादा दिन तक धंधा चलने वाला नहीं है, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जो रेट का है, बहुत सारे जो रेट डाल भी रहे हैं यूट्यूबर या मैं भी डाल रहा हूं, तो वहां से जो भी आउटपुट मिल रहा है उसमें यूट्यूबर का दोष हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी उसी में हूं। और
और कुछ हद तक दोषी हो भी सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट अगर हम किसी एजेंट की वीडियो बनाते हैं और उनसे रेट मांगते हैं तो वो कम रेट बताते हैं, कभी ज़्यादा बताते हैं, तो वहाँ पे स्थितियाँ ये होती हैं कि अगर कम रेट बताते हैं तो ग्राहक वहाँ पे जाते हैं और जब जाने के बाद वहाँ खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं तो पता लगता है कि जो 80,000 में वीडियो में भैंस देखी थी वही आज यहाँ पे 1,00,000 में है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर कैसे बिजनेस होगा और कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें बहुत गौर करने लायक हैं। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखें, और ग्राहकों से भी निवेदन है कि कृपया वो लोग भी झूठ ना बोलें, अगर आप लोग भी झूठ बोलते हैं तो एजेंट भी बोल सकता है, तो आप लोग ऐसा सामंजस्य रखें कि जिससे एजेंट भी ना बोले और ग्राहक भी ना बोले, क्योंकि जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो उसमें ग्राहक और एजेंट दोनों ही लोगों को परेशान होना पड़ता है और दोनों लोगों का ही घाटा होता है। तो आप लोग ये चीज़ें एकदम क्लियर रखें, हर वीडियो में रेट बताने की कोशिश करें, एक एक भैंस का रेट बताएं, और जो भी खरीदारी करने जाते हैं महाराष्ट्र के या किसी भी प्रदेश से गुजरात, तो अपनी वीडियो जरूर बनवाएं और किसी से भी बनवाएं और वहां पे खुल के आप रेट बताएं। अगर आप जाफराबादी के पक्ष में अगर आप रहते हैं, अगर आपको लगता है कि जाफराबादी को बढ़ावा देना चाहिए तो आप खुल के रेट बताएं, जिससे कि आपके द्वारा आपके मित्रों, आपके सहयोगियों, आपके जिले में सभी लोगों को जानकारी हो कि वहां से भैंसे खरीदी गई हैं और इतने इतने रेट में खरीदी गई हैं, और उसके पूर्व जब आपके घर भैंसे पहुंच जाएं तो 20 दिन के बाद, 20 दिन के पहले नहीं, 20 दिन के बाद उनको दूध पे चेक करें कि क्या वहाँ पे जो दूध बताया गया था वो दूध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वो आप किसी यूट्यूबर से संपर्क कर लें, चाहे आप मुझसे कर लें या किसी अन्य से कर लें और वीडियो डलवाने का प्रयास करें, जिससे कि ये पारदर्शिता होना जरूरी है, अनिवार्य है, और इसी से अगर आप लोग मुंह मोड़ लेंगे तो ये बढ़ावा नहीं मिल पाएगा, अच्छी ब्रीड लोग नहीं पाल पाएंगे। दूसरी बात जो खरीदारी के विषय में है, जैसे कि कोई भी बाहरी खरीदार आता है और गुजरात में भैंसे खरीदता है या कहीं अन्य खरीदता है, तो वहाँ पे अगर रेट आपको कम मिलता है तो आप निश्चित तौर पे समझ लें ये तो 4 महीने की ब्याई है और वो इंजेक्शन के द्वारा तैयार किया गया है, उसमें आप लोगों को टाइट टाडर और उनको चमका नहला धुला के आपको उसी तरीके तैयार किया जाएगा, और एक नया बच्चा आपको 15 दिन का 8 दिन का लगा के वो अधिकतर पाड़ा होगा, ये आप श्योर रखें। जो भैंस 4 महीने 3 महीने के बच्चा दी हुई होगी और आपको सस्ती भैंस मिल रही होगी तो उसके नीचे 99% पाड़ा होगा, ये आप श्योर रखें। दूसरी बात, खरीदारी के समय आप ये गौर रखें कि जब भी आप भैंस खरीदें तो 7 दिन से ज़्यादा की भैंस ना खरीदें, क्योंकि वो आपके घर पे पीक पे नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी का मीन्स उस ब्याप में पीक पे नहीं आ पाएगी। अगर 18 लीटर की भैंस है तो ये मान के चलें कि आपके घर में वो 14 लीटर देगी, और अगर वो 18 लीटर में पहुंच जाती है तो ये आपका नसीब होगा, ये आपका लक होगा। तीसरी बात, जो पूरा सर्टिफाई होके खरीदना चाहते हैं वो 15 दिन 20 दिन की बाद की भैंस खरीदें, जिससे कि उनका सही दूध पता चल सके। ये उन स्थितियों में है जो सर्टिफाइड भैंसे खरीदना चाहते हैं, और जिनको
एक जानकारी के तहत खरीदना है कि ये हमारे 15 लीटर की भैंस है और हमारे घर में 15 लीटर दूध निकाले, तो वो नई भैंसें खरीदें 7-8 दिन से कम भी आई। और जो पूरा दूध देख के लेना चाहते हैं वो 15 दिन की बाद की भैंस खरीदें। तो अब बात आती है प्रेग्नेंट भैंस की, तो प्रेग्नेंट भैंस में बहुत बड़ा लोचा है। प्रेग्नेंट भैंस में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अमरेली, वाकानेर, महुआ और भावनगर के एरिया में। बाकी और भी एरिया हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जूनागढ़ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चले कि जो जाफराबादी का सौराष्ट्र का एरिया है वहां पे आप अगर प्रेग्नेंट भैंसे लेते हैं तो ये तो आपका बहुत नजदीकी जानकार हो, वो अच्छे से चेक करे। नहीं तो आप ये मान के चलें कि आपको 3 थन की 3.5 थन की भैंस मिलने वाली है और आप अपने घर में लेके जाएंगे। ये मेरी जानकारी में हो चुका है 2-3 बार, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि आप लोग ब्याई हुई भैंसे खरीदें और कोशिश ये करें कि ताजी भैंस खरीदें। और अगर कोई आप लोगों को परेशानी हो रही है तो आप ये मत सोचे कि हम गुजरात आ गए तो हमको खरीद के ही जाना है, आप तुरंत वापस आ सकते हैं। आप अपने लोकल की ब्रीड खरीद लें जो 4 लीटर, 3.5 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर की भैंस आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी महंगी मिलेगी पर आप धोखे से बच जाएंगे। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखें और आप लोगों को जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करें। बहुत सारी अभी बातें बाकी हैं जो हम आने वाले भविष्य में करेंगे, तो आप लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से अपने नॉलेज में रखें। और सभी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है जब भी भैंसे खरीदें तो सीजन का जरूर ध्यान रखें। गर्मियों के सीजन में हरदम भैंसें महंगी हो जाती हैं, तो अभी भैंसी महंगी हो रही हैं, तो आप लोग फोन से जानकारी कम करके आप विजिट करें और विजिट करने के बाद ही भैंसे खरीदें। और आप लोगों को जो भी कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर 9810914189 पे आप लोग संपर्क करें, मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपकी समस्या समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का बटन आपकी मर्जी है, अगर दबाना चाहें तो आप लोग दबा दें। जय हिंद, जय भारत।